So the next question is, let L1, L2, L3 are three languages. So हमें तीन languages दी हुई हैं and which of the languages are not context free? ये बताना है कि इनमें से कौन सी language context free नहीं है. कोई भी language अगर हम किसी PDA के थ्रू, अगर मैं context free की बात करूँ तो अगर मेरे पास में ऐसा PDA है जो उस language को accept कर ले तो मैं कह सकता हूँ कि CFL है. तो अगर कोई PDM ऐसा नहीं फाइंड आउट कर सकता जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं हो सकती. अगर मैं इसका PDA डिज़ाइन करता हूँ, इसका लेट से PDA डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, स्टैक को कैसे मैनेज करूँगा? तो सिंपली क्या कर सकता हूँ कि जीरोज हैं एन प्लस एम, ओके, जो वंस एंड जीरोज हैं इन दो को मिला के एक जीरोज हैं. तो आप क्या कर सकते हो, जीरोज को पुश करो, ओके. जब आप वन देखो पहली बार, जितने भी आपको पहले स्टार्टिंग में जीरोज दिखेंगे उनको सबको पुश करते जाओ. जैसे ही वन दिखे, वन और जीरोज से सारे के सारे जीरोज पॉप करने हैं, ओके, जीरोज पुश करने हैं. उसके बाद में वंस एंड जीरोज पॉप, इन वन जीरो से इन सबको पॉप पुश पॉप करना है, ओके. जैसे ही वन आए, वन से जीरोज को पॉप करते जाओ, तो आपके पास में एन प्लस एम माइनस एन इतने जीरोस बचेंगे, यानी कि एम जीरोस बचेंगे. फिर आपके पास में जीरो आई तो जीरो से एम जीरो से एम जीरोस पॉप हो गई, तो क्या बचा, जीरो सिंबल्स इन दिस स्टैक. तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, इट मीन्स एक्सेप्टेड. तो जीरो जीरो की पावर एन प्लस एम, वन की पावर एन प्लस एम एंड जीरो की पावर एम, जीरोस पुश कर सकते हो, उन जीरोस से वन पॉप कर सकते हो, उन जीरोस को वन से पॉप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में जीरोस हैं, इनका क्या होगा, इनके वजह से ये CFL नहीं हो सकती. इसी रीजन से ये भी CFL नहीं हो सकती. सो ओनली L1 इज CFL. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास में ग्रामर है, एस इज द स्टार्टिंग सिंबल, ए एंड बी आर टर्मिनल्स एंड नल डिनोट्स द इम्प्लीट स्ट्रिंग. एक ग्रामर है जिसमें दो प्रोडक्शंस हैं एंड द ग्रामर जनरेट्स द लैंग्वेज. इनमें से कौन सी लैंग्वेज इस ग्रामर से जनरेट कर सकते हैं? तो पहले हमें देखना होगा कि स्ट्रिंग किस किस तरह की आएंगी इस ग्रामर से. तो ग्रामर है ए एस ए बी नल, उसके बाद में है ए टेंस टू बी ए नल, ओके. तो पहले देखना है कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ए का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा या तो वो नल जनरेट करेगा या फिर बी से कितनी भी बनी हुई स्ट्रिंग जनरेट करेगा, ओके. ये क्या जनरेट करेगा, नल. फिर मैं बी जनरेट कर सकता हूँ एक जहाँ पे नल रख के, या फिर मैं एक जहाँ पे बी ए रख सकता हूँ दोबारा से, तो बी बी ए हो जाएगा. फिर एक जहाँ पे मैंने नल रखा तो बी बी हो गया. तो ये क्या करेगा, ये बी स्टार जनरेट करेगा. तो ए जनरेट कर रहा है बी स्टार. इसको अगर मैं यहाँ एक जहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या होगा, एस टेंस टू ए एस बी स्टार बी स्लैश नल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एस टेंस टू ए एस बी स्टार बी का मतलब है प्लस बी प्लस, ओके. या फिर ऐसे लिख सकते हो ए की पावर एन बी प्लस टू द पावर एन, ओके. इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन बी तो होगा ही होगा. बी प्लस का मतलब ये है, तो एटलीस्ट वन तो बी तो होगा ही होगा, इक्वल भी हो सकते हैं, ओके. यहाँ से स्ट्रिंग कैसी आएगी, ए बी या फिर ए बी बी, इस तरह की स्ट्रिंग भी आ सकती है. यानी कि जो एन है वो एम से बड़े हो सकते हैं, ओके. तो अगर आप ऑप्शन ए देखते हो, ए प्लस बी का होल स्टार बी, यहाँ से स्ट्रिंग सारी यहाँ से बी जनरेट हो सकता है, सिंपल बी. यहाँ से मैंने नल लिया और ये बी, तो ये लैंग्वेज तो बी जनरेट कर ही नहीं रही है, किसी भी तरह से बी जनरेट नहीं होगा इस ग्रामर से. तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं है, ये लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रही है ग्रामर. बी है ए की पावर एम बी की पावर एन, ओके, दिस इज ट्रू, एम लेस देन इक्वल्स टू एन. तो इस तरह ग्रामर ही एक्सेप्ट कर रही है ए की पावर एम बी की पावर एन, एम इक्वल्स टू एन, ये ट्रू नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एस और नंबर ऑफ बीज डिफर कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कोई पावर ले सकता हूँ, लेट से मैंने एन इक्वल्स टू लिया टू और यहाँ से मैंने बी की कुछ और पावर ले ली, ओके, ए की पावर टू और अंदर से मिल लिया बी की पावर थ्री और उसकी पावर टू. तो इसमें लैंग्वेज हो जाएगी आपकी ए ए बी 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 बी, इस तरह से हो जाएगी. तो नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज नहीं हो सकते, ए स्टार बी स्टार तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है. तो बी इज द राइट आंसर. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, एक ग्रामर दी हुई है और पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग नॉट जनरेटेड बाय द ग्रामर. इस ग्रामर से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो सकती है, तो स्ट्रांग जन कोशिश करते हैं स्टार्टिंग से. ए ए ए क्या मैं जनरेट कर सकता हूँ, ए एस ए, उसके बाद में एस की जगह फिर से ए एस ए रखते हैं और फिर एस टेंस टू नल रखते हैं, तो ए ए ए ए जनरेट हो सकती है आराम से. बी ए बी ए, तो स्ट्रिंग अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो इसी स्ट्रिंग तो आ ही सकती है. क्यों, क्योंकि सारी की सारी स्ट्रिंग ऐसी होनी चाहिए जो स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल सेम हो, ओके. देख सकते हो आप स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल सेम है हर एक स्ट्रिंग में. हर एक स्ट्रिंग में स्टार्टिंग एंड एंडिंग सिंबल सेम नहीं है तो उसको तो बिल्कुल आंख बंद करके कर दो कि ये तो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, जनरेट हो ही नहीं सकती है. ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो बी जनरेट नहीं हो सकती. ये आपको होमवर्क है, सी और डी को जनरेट करके देखना. तो दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक ग्रामर दी हुई है
एस टेंस टू ए एस ए, और फिर दिया हुआ है ए टेंस टू ए ए बी या फिर बी ए ए या फिर नल। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द ग्रामर अबो। ओके, आप एक एक स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो। लेट स्टार्ट विद द डी। तो एस टेंस टू आपको जनरेट करना है ए ए बी बी ए ए बी, सो ए एस। ओके, मैं फिर रखता हूँ एस टेंस टू ए ए बी। ओके, एस टेंस टू रख रहा हूँ मैं, लेट से ए। ओके, सो नाउ आई कैन पुट ए टेंस टू ए ए बी। ओके, इस एग्जाम्पल में रखता हूँ ए ए बी, दैट मीन्स ए ए बी। फिर मुझे जनरेट करना है बी बी, दैट मीन्स ए ए बी ए ए। सो मैंने एक जगह पे क्या रखा, बी ए ए, फिर बी एज इट इज। सो ये ए ए एंड बी एज इट इज रहे, मैंने इस एक जगह पे पुट किया बी ए ए। आफ्टर दैट यू कैन पुट ए ए बी बी। ओके, बी ए बी अगेन आई एम पुटिंग बी ए ए अगेन इन प्लेस ऑफ ए। तो ए ए बी बी देन ए ए ए बी। सो अगेन आई कैन पुट द सेम थिंग, दैट इज आई कैन पुट नल इंस्टेड ऑफ ए, दिस विल बिकम ए ए बी बी ए ए बी। ओके, इफ यू पुट नल इन प्लेस ऑफ ए, दिस स्ट्रिंग विल बिकम ए ए बी बी ए ए बी, दैट मीन्स डी इज एक्सेप्टेड। ओके, डी इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर। यू कैन ट्राई विद ऑल अदर ऑप्शंस ए बी सी। ओके, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव दिस प्रोडक्शंस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द अबो ग्रामर ओवर द अल्फाबेट इज सेट ऑफ व्हाट। इस ग्रामर के लिए लैंग्वेज बतानी किस तरह की होगी। ओके, इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो किस तरह की होगी, पहली चीज। तो इससे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो होगी आपकी, सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी ए और बी। ओके, फिर हो सकती है ट्रिपल ए ट्रिपल बी, या फिर हो सकती है इफ यू पुट बी एस बी इन प्लेस ऑफ एस, बी एस बी ए, या फिर ए बी एस के जहाँ पे आप ए या बी रख सकते हो, दैट मीन्स ए बी ए बी ए। तो आप देख सकते हो कि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, दोनों तरफ से जो स्ट्रिंग होगी वो सेम होगी। आप देखो ए बी ए और इधर से भी ए बी ए बी ए। ओके, इधर से स्ट्रिंग क्या है ए बी ए बी ए और इधर से क्या है ए बी ए बी ए, दैट मीन्स पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है लेकिन ऑड पैलिंड्रोम है, ऑल पैलिंड्रोम नहीं है। ऑल पैलिंड्रोम का मतलब है कि इवन पैलिंड्रोम भी और एंड ऑड भी, लेकिन ये जो आपकी ग्रामर है ये सिर्फ ऑड पैलिंड्रोम दे रही है। ऑड पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ ऑड होगी और स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम होगी। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, सी इज नॉट इवन लेंथ नहीं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो इन दिस लैंग्वेज हम ए को पुश करें बी से पॉप कर सकते हैं। ओके, या फिर ए से पुश करो बी को भी पुश करो, फिर ए से बी को पॉप करो एंड बी से इस ए को पॉप करो। सिंपल इससे कर सकते हैं, ए की पावर एम बी की पावर एन, ए की पावर एम बी की पावर एन। सो आपने ए पुश किया फिर बी को पुश किया, फिर आपको ए से पॉप करना है, लेकिन आप पता नहीं लगा पाओगे कि ए से पहले, क्योंकि जब आप स्टैक के ऊपर इनको पुश करोगे तो पुश ऐसे होंगे ए ए बी लाइक दिस। फिर जब ए आएगा तो आपको बी, आपको ऊपर बी मिलेगा। ओके, ए से आपको बी पॉप करने हैं जो कि मैचिंग सिंबल नहीं है, एंड और एन एम एम जो है वो मैचिंग सिंबल्स नहीं है, तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं हो सकती। ओके, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो एम इक्वल्स टू एन प्लस वन, तो इस तरह की कोई भी लैंग्वेज होगी वो सी एफ एल होगी। सो एल वन एंड एल थ्री आर सी एफ एल्स। जी इज ए ग्रामर विद प्रोडक्शंस, दीज आर द प्रोडक्शंस वेयर एस इज द स्टार्टिंग सिंपल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय जी। इनमें से कौन सी स्ट्रिंग जी से हम इस ग्रामर जी से जनरेट नहीं कर सकते हैं। आपके पास में ग्रामर है एस टेंस टू एस ए एस, उसके बाद में है एस टेंस टू ए एस बी, फिर है एस टेंस टू बी एस ए, और फिर है एस टेंस टू एस एस। ओके, अगर मुझे ए बी जनरेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, एस टेंस टू ए एस बी then s tends to b s a। okay, s tends to b s a, yani ki a b s a, null bhi hai s tends to, ye bahut zaruri hai। okay, a b s a b then s tends to null, that means a b generate ho sakta hai। triple a b s tends to
एस ए एस, देन एस टेंस टू एस ए ए, ओके एस ए एस, आई एम पुटिंग इन प्लेस ऑफ दिस एस, आई एम पुटिंग एस ए एस, दैट इज एस ए एस, देन दिस ए इज एज इट इज, ओके एंड एस, देन अगेन आई रिक्वायर वन मोर ए, दैट मीन्स आई कैन कीप इट लाइक दिस. ओके लेट्स ट्राई टू जनरेट इन अनदर वे. ओके विद ऑप्शन वी वी कैन जनरेट द स्ट्रिंग इन अनदर वे. हाउ? लेट्स से एस टेंस टू, आई एम स्टार्टिंग विद एस टेंस टू ए एस बी, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, सो आई एम टेकिंग दिस प्रोडक्शन ए एस बी. उसके बाद एस टेंस टू आप ले सकते हो एस ए एस, ओके ए एस ए एस और बी, फिर उसके बाद में फिर एस की ले सकता हूँ मैं ए एस ए एस, उसके बाद में ए एस बी. अब सारे के सारे एस नल रख दो तो ट्रिपल ए बी जनरेट हो जाएगा. उसके बाद में ए बी बी ए ए, सो सी ए बी बी ए ए कैसे जनरेट कर सकते हैं. स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है और ए से ही एंड हो रही है. मुझे इंश्योर करना है कि स्ट्रिंग ए से ही स्टार्ट हो और ए से ही एंड हो. ऐसा मैं किसी भी स्ट्रिंग में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये प्रोडक्शन लेता हूँ तो इसमें सारे ए ए से हो सकते हैं, बी से एंड नहीं करा सकते हो आप. ओके अगर मैं ये प्रोडक्शन लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, लेट्स ट्राई एस टेंस टू ए एस, लेट्स से एस टेंस टू एस ए एस, देन आई कैन स्टार्ट, आई हैव टू स्टार्ट विद ए, तो आई कैन पुट नल हियर, सो आई कैन से ए एस. इन प्लेस ऑफ एस लेट्स ट्राई टू एंड विद बी, ओके आई कैन से ए ए एस बी, ओके आई एम पुटिंग ए एस बी इन प्लेस ऑफ एस, सो एस की जगह मैंने रखा ए एस बी, सो आई हैव जनरेटेड ए ए एस बी. तो अब यहीं पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ए बी बी चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है. इसी तरह से आप डी के साथ में ट्राई कर सकते हो, डी जनरेट हो जाएगी. आइडेंटिफाई द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग ग्रामर, हमें एक ग्रामर दी हुई है और हमें ये बताना है कि इससे कौन सी लैंग्वेज जनरेट होगी इनमें से. ओके तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं ए वाई बी, इससे क्या जनरेट होगा. अगर आप पहली चीज नल, नल के बाद में ए की पावर एन बी की पावर एन, ओके आप वाई की जगह पे ए वाई बी रखते जाओगे और ए की पावर्स इधर भी बढ़ती जाएंगी इधर भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जब भी वाई के उस जगह पे आप इसको पुट करोगे तो हर बार ए और बी इंक्रीज होंगे सेम सिचुएशन में. तो ये सिंपली क्या है, ये है ए की पावर एन बी की पावर एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है. ये क्या है, यह है आपका या तो ए जनरेट करेगा या फिर ए एक्स जनरेट करेगा, दिस मीन्स ये ए प्लस है. यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई, आपको फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो आप कह सकते हो कि एस टेंस टू या तो ये ए प्लस जनरेट करेगा या फिर साथ में होगा, यानी कि ए की पावर एन एंड बी की पावर एन. ओके सो इन दो में कोई रिलेशन नहीं है, इन एज में और इन एज में. ओके तो ये इसी तरह लेट्स से एम हो सकता है, तो ए की पावर एम बी की पावर एन, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन जीरो. ओके यहाँ पर तो एम एन जो आपके ए और बी है वो इक्वल है और एक और ए यहाँ पे ऐड हो गए हैं. ओके यहाँ से भी एज लेना जरूरी है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एज जो है वो बी से बड़े ही होंगे. क्यों बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वाई ने क्या कहा, वाई ने कहा कि ए और बी जो है वो इक्वल है, लेकिन एक्स ने क्या कहा कि सिर्फ एज हैं. तो इन एज की वजह से ए की जो ए नंबर ऑफ एज जो है वो बी से ज़्यादा होंगे, तो ए की पावर एम बी की पावर एन और इक्वल नहीं हो सकते हैं, ज़्यादा तो होंगे ही होंगे कभी ना कभी. ओके एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, एम ग्रेटर देन एन एंड एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. तो कह रहा है कि एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि एन इक्वल्स टू जीरो हो सकता है यहाँ पे, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्योंकि इस नल की वजह से जीरो हो सकता है. ओके सो दिस इज ट्रू. उसके बाद में डी ऑप्शन सही क्यों नहीं है, क्योंकि एन ग्रेटर देन जीरो कह रहा है लेकिन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, तो सी सही है. बी गलत क्यों है, क्योंकि बी इक्वल का साइन, इस इक्वल के साइन की वजह से बी भी गलत हो गया, तो ए और बी गलत है इस इक्वल के साइन की वजह से, और डी गलत है इसमें इक्वल का साइन ना होने की वजह से, क्योंकि हमें बताया कि यहाँ पे एन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, वाई जो है वो नल जनरेट कर सकता है ड्यू टू दिस नल. ओके सो सी इज द राइट आंसर. अब डिसाइडेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल. इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज और देख सकते हैं, डिसाइडेबिलिटी या क्वेश्चन करने से पहले हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज किस ऑपरेशन के अंडर डिसाइडेबल है.
तो रेगुलर लैंग्वेज जो है वो मेंबरशिप प्रॉब्लम के अंडर डिसाइडेबल है। इसका मतलब अगर मैं पूछता हूँ कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, तो मैं अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है तो मैं कह सकता हूँ कि वो डिसाइडेबल है, मैं बता सकता हूँ क्लियरली। डिसाइडेबिलिटी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं डिसाइडेबिलिटी या फिर डिसीजन प्रॉपर्टीज़। तो रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड है अंडर ऑल ऑपरेशन, ओके, डिसाइडेबल है हर ऑपरेशन के अंडर। एम्प्टीनेस भी आप चेक कर सकते हो, फाइनाइटनेस भी चेक कर सकते हो, और किसी लैंग्वेज की रेगुलर लैंग्वेज की इक्वलेंस भी दो रेगुलर लैंग्वेज की चेक कर सकते हो। आप ये चेक कर सकते हो कि दो रेगुलर लैंग्वेज इक्वल है या नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास में एल्गोरिथम है, अगर वो लैंग्वेज जिसके लिए आप चेक कर रहे हो अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है। सी एफ एल लैंग्वेज में तीन प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, सी एफ एल के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंबरशिप प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, एम्प्टीनेस डिसाइडेबल है, एंड फाइनाइटनेस डिसाइडेबल है। इक्वलेंस प्रॉब्लम डिसाइडेबल नहीं है, दो सी एफ एल इक्वलेंट है या नहीं है ये आप नहीं बता सकते, उसके लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है। डिसाइडेबिलिटी का मतलब ये है कि जो चीज़ डिसाइडेबल है, इनका मतलब ये कि उसके लिए एल्गोरिथम है प्रॉपर, आप बता सकते हो उन चीज़ों को। अगर मैं आपसे पूछूं डज एनी स्ट्रिंग बिलोंग्स टू रेगुलर लैंग्वेज, आप कह सकते हो यस, ओके, क्लियरली कह सकते हो। एम्बिगिटी प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, हमारे पास में कोई ऐसी एल्गोरिथम नहीं है जिससे हम बता सके कि सी एफ एल एम्बिगस है या नहीं है, ओके। रेगुलैरिटी चेक अनडिसाइडेबल, आपको ये देखना है कि ये जो सी एफ एल है ये रेगुलर है या नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते हो, इसलिए उसको बोलते हैं अनडिसाइडेबल है। क्या कोई सी एफ एल सब कुछ एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब है एक्सेप्ट एवरी थिंग, इसका मतलब है एक्सेप्ट नथिंग। एम्प्टीनेस का मतलब है कि जो आपकी ग्रामर है या लैंग्वेज है वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। एल इक्वस टू सिग्मा स्टार का मतलब है कि वो लैंग्वेज हर एक चीज़ एक्सेप्ट करती है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको ये चेक करना है कि दो सी एफ एल हैं और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है, अनडिसाइडेबल है। सी एस एल की बात करें तो सी एस एल में मेंबरशिप प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, उसके अलावा कुछ और डिसाइडेबल नहीं है। रिकर्सिव लैंग्वेज में भी मेंबरशिप प्रॉब्लम और रिकर्सिव लैंग्वेज में भी मेंबरशिप प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, बाकी कुछ इनमें डिसाइडेबल नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं है, ओके। तो याद रखने का अच्छा तरीका क्या है, रेगुलर लैंग्वेजेस आर डिसाइडेबल अंडर ऑल ऑपरेशंस एंड सी एफ एल इज क्लोज्ड अंडर ऑल थ्री ऑपरेशंस, दैट इज मेंबरशिप, एम्प्टीनेस एंड फाइनाइटनेस, इन तीन प्रॉब्लम में डिसाइडेबल है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, और ये डिसीजन प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक टीओसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड डिसीजन प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन 100% हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी, मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी डिसाइडेबल है, ओके, ये डिसाइडेबल है, ये पूछ रहे हैं अनडिसाइडेबिलिटी के बारे में। एम्बिगिटी प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी, एम्बिगिटी प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी अनडिसाइडेबल है। फाइनाइटनेस प्रॉब्लम ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, इसमें तो सब कुछ डिसाइडेबल है। इक्वलेंस प्रॉब्लम ऑफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डिसाइडेबल है, तो बी इज द राइट आंसर। ये पूछ रहा है कि कौन सा अनडिसाइडेबल है, कि कोई सी एफ जी एम्बिगुअस है या नहीं है, या नहीं बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, द हाल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल, ओके, हाल्टिंग प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, ट्रू है। डिटरमाइनिंग वेदर ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस इज अनडिसाइडेबल, ये हमने अभी देखा, एम्बिगुटी प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है, ये भी ट्रू है। गिवन टू आर्बिट्री ग्रामर्स G1 एंड G2, इट इज अनडिसाइडेबल वेदर एल लैंग्वेज ऑफ ग्रामर वन इक्वल्स टू लैंग्वेज ऑफ ग्रामर L2, इक्वावेलेंस प्रॉब्लम। तो ये कह रहा है कि जो आपकी सी एफ एल है उनमें दो ग्रामर इक्वालेंट है या नहीं है, दो लैंग्वेजेस इक्वालेंट है या नहीं है, पता लगाना अनडिसाइडेबल है, ये भी ट्रू है। जैसे हमने अभी देखा जो इक्वावेलेंस प्रॉब्लम है सी एफ एल में वो अनडिसाइडेबल है। गिवन टू रेगुलर लैंग्वेजेस G1 एंड G2, इट इज़ अनडिसाइडेबल, ओके, इट इज़ अनडिसाइडेबल वेदर दे आर इक्वल, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज में सब कुछ डिसाइडेबल है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो आंसर है आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसाइडेबल, वेदर द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट, हमने देखा कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ये पता लगा पाना अनडिसाइडेबल है। वेदर ए गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लैंग्वेज इज रेगुलर, कि कोई रेगुलैरिटी चेक किसका, सी एफ एल लैंग्वेज का, जैसे हमने अभी देखा सी एफ एल लैंग्वेज का रेगुलैरिटी चेक, ये रेगुलैरिटी है और ये है सी एफ एल, ये अनडिसाइडेबल है। तो रेगुलैरिटी चेक, वेदर ए गिवन ग्रामर, वेदर ए गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रेगुलर, ये अनडिसाइडेबल है। वेदर टू पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, यानी कि इक्वावेलेंस प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जीज, ये क्या है, डिसाइडेबल है, डिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल है, ये अनडिसाइडेबल है। वेदर ए गिवन ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, ओके, कॉन्टेक्स्ट फ्री चेक करना डिसाइडेबल है। तो आपके हिसाब से वन एंड डी, दैट इज डिसाइडेबल, दैट इज वन एंड फोर्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर डिसाइडेबल, डज ए गिवन ग्रामर एवन एवर प्रोड्यूस एन आउटपुट, ये अनडिसाइडेबल है क्योंकि आप एक फाइनाइट टाइम के अंडर में नहीं बता सकते हो कि वो कभी कोई प्रोग्राम आउटपुट देगा भी नहीं देगा, हो सकता है प्रोग्राम हमेशा के लिए लूप में चला जाए, तो आप हमेशा के लिए वेट नहीं कर सकते हो। डिसाइडेबल का मतलब ये कि अगर आप किसी फाइनाइट टाइम के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, दैट इज़ डिसाइडेबल। इफ़ एल इज़ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन एल कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो अगर एल अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो एल कॉम्प्लीमेंट क्या होगी? हमें पता है कि सी एफ एल लैंग्वेजेस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के अंडर क्लोज नहीं है, तो एल कॉम्प्लीमेंट मे बी और मे नॉट बी सी एफ एल, इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये निगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, निगेटिव प्रॉपर्टी है तो आप इसको ये डिसाइडेबल नहीं है, निगेटिव प्रॉपर्टीज डिसाइडेबल नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं मे बी और मे नॉट बी, हो सकता है कि वो सी एफ एल हो सकता ना हो, ये डिसाइडेबल नहीं है। तो कोई भी निगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो अनडिसाइडेबल ही होगी, ठीक है। इफ़ एल इज़ रेगुलर लैंग्वेज देन एल कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑल्सो रेगुलर, ये ट्रू है, ये डिसाइडेबल है, क्यों? क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेस हर एक ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है। ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का एंड डिसीजन प्रॉपर्टीज़ का। हमें पता है कि आपको दोनों चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पे। आपको पता है कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्लोज्ड है अंडर ऑल ऑपरेशंस, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड होने का मतलब यह है कि आप कह सकते हो क्लियरली कि अगर एल रेगुलर लैंग्वेज है तो एल कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। जब भी आप क्लियरली आंसर कर सकते हो दैट मीन्स वो डिसाइडेबल है। इफ़ एल इज़ ए रिकर्सिव लैंग्वेज देन एल कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रिकर्सिव, ये भी डिसाइडेबल है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड है, यानी कि अगर एल रिकर्सिव लैंग्वेज है तो एल कॉम्प्लीमेंट भी डेफिनेटली रिकर्सिव लैंग्वेज ही होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ आर डिसाइडेबल, वन एंड टू आर अनडिसाइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अनडिसाइडेबल, इनमें से कौन कौन अनडिसाइडेबल है? पहला है एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी, ओके जी सी एफ जी है और लैंग्वेज ऑफ सी एफ जी इज एम्प्टी, तो आप देख सकते हो कि एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी इज डिसाइडेबल। ओके, सो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी इज अनडिसाइडेबल, डिसाइडेबल, सो दिस इज डिसाइडेबल, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर अनडिसाइडेबल। जी इज ए सी एफ जी एंड लैंग्वेज ऑफ जी इज एवरीथिंग, ओके दिस लैंग्वेज दिस ग्रामर एक्सेप्ट एवरीथिंग, दिस इज अनडिसाइडेबल। एम इज ए ट्यूरिंग मशीन एंड लैंग्वेज ऑफ एम इज रेगुलरिटी, रेगुलरिटी चेक ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, ये भी अनडिसाइडेबल है। ओके, रेगुलरिटी चेक आप देख सकते हो, रेगुलरिटी चेक ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स, ट्यूरिंग मशीन की एक्सेप्ट करती है रिकर्सिव लैंग्वेजेस, सो दिस इज अनडिसाइडेबल। उसके बाद में ए इज ए डी एफ ए एंड एन इज एन एफ ए, द लैंग्वेज ऑफ डी एफ एल एक्वल्स टू एल एन, सो दिस इज डिसाइडेबल क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज है और रेगुलर लैंग्वेज में सब कुछ डिसाइडेबल है। तो ये पूछ रहा है अनडिसाइडेबल कौन कौन है, सो टू एंड थ्री आर अनडिसाइडेबल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वी हैव थ्री स्टेटमेंट्स और वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ओके हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज इज ट्यूरिंग डिसाइडेबल, ये कह रहा है कि हर एक ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी ट्यूरिंग डिसाइडेबल होगा। ट्यूरिंग डिसाइडेबल का मतलब क्या है? रिकर्सिव लैंग्वेजेस, रिकर्सिव लैंग्वेज को ही हम ट्यूरिंग डिसाइडेबल बोलते हैं, ओके रिकर्सिव लैंग्वेजेस, और हमें पता है कि रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ओके, तो पहला ट्रू है। देर एग्जिस्ट सम लैंग्वेजेस विच इज़ इन एनपी बट नॉट इन नॉट बट इज़ नॉट ट्यूरिंग डिसाइडेबल, हर एक एनपी ट्यूरिंग डिसाइडेबल तो है ही है। ओके, दिस इज फॉल्स। इफ एल इज़ ए लैंग्वेज इन एनपी देन एल इज़ ट्यूरिंग डिसाइडेबल, दिस इज ट्रू, तो फर्स्ट एंड थ्री आर ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, क्योंकि जितनी भी एनपी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी क्या है? रिकर्सिव, क्योंकि उनको क्या हम पॉलिनोमियल टाइम में डिसाइड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज डिसाइडेबल, ओके इनमें से कौन कौन डिसाइडेबल है? सी एफ जी मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड सी एफ एल मीन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। गिवन गिव अ सी एफ जी जी, फाइंड वेदर द लैंग्वेज ऑफ दिस सी एफ जी इज रेगुलर, वेयर आर इज रेगुलर सेट, दिस सिंपली क्या है? रेगुलरिटी चेकिंग। ओके, रेगुलरिटी चेक इन केस ऑफ सी एफ जी इज अनडिसाइडेबल, हमें पता है। गिवन ए सी एफ जी जी, फाइंड वेदर द लैंग्वेज इज एम्प्टी, ओके दिस मीन्स एम्प्टी, तो एम्प्टीनेस प्रॉब्लम सी एफ जी में डिसाइडेबल है। फाइंड वेदर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सी एफ एल्स इज एम्प्टी, ये अनडिसाइडेबल है, हमने अभी देखा था। ओके, फाइंड वेदर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एफ एल इज अ सी एफ एल, दिस इज अनडिसाइडेबल क्योंकि सी एफ एल जो है वो कॉम्प्लीमेंट के अंडर क्लोज नहीं है। फाइंड वेदर सी एफ जी जी वन एंड जी टू जनरेट द सेम लैंग्वेज, इक्वावलेंस प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी, ये क्या है? इक्वावलेंस प्रॉब्लम ऑफ सी एफ जी, जो कि अनडिसाइडेबल है। तो सिर्फ एक ही डिसाइडेबल है, वह है बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन एंड लिनी क्लोजर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रेगुलर एक्सप्रेशन 01*0. ओके 01*0 ये रेगुलर एक्सप्रेशन है. ये कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स. इसमें स्ट्रिंग जो होगी वो कैसी होगी, 00, 010, 0110. तो स्ट्रिंग्स क्या होगी, स्ट्रिंग तो इनफाइनाइट होगी लेकिन सेट क्या होगा, फाइनाइट. ओके स्ट्रिंग फाइनाइट होगी और जो सेट होगा वो इनफाइनाइट होगा. इट रिप्रेजेंट अ फाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स, इट रिप्रेजेंट अ इनफाइनाइट सेट ऑफ फाइनाइट स्ट्रिंग्स. ओके सेट जो है वो इनफाइनाइट होगा क्योंकि स्ट्रिंग इस स्टार की वजह से इनफाइनाइट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, ऑल रिकर्सिव सेट्स आर रिकर्सिवली इनुमरेबल. दिस इज ट्रू क्योंकि कोई भी रिकर्सिव लैंग्वेज होगी वो तो रिकर्सिव इनुमरेबल होगी होगी क्योंकि यहाँ पे रिकर्सिव इनुमरेबल है और उसके अंदर है आपके रिकर्सिव, फिर उसके अंदर है CFL और फिर है रेगुलर. तो इसलिए हर एक रिकर्सिव लैंग्वेज रिकर्सिव इनुमरेबल भी है, हर एक रेगुलर लैंग्वेज CFL भी है, रिकर्सिव भी है, रिकर्सिव इनुमरेबल भी है, बट हर एक रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज रिकर्सिव नहीं हो सकती. ओके तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी रिकर्सिवली इनुमरेबल सेट इज रिकर्सिवली इनुमरेबल. दिस इज फॉल्स क्योंकि रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेजेस आर नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन. एवरी नॉन एम्प्टी रिकर्सिव इनुमरेबल सेट इज द रेंज ऑफ सम टोटली रिकर्सिव फंक्शंस. ओके दिस इज ट्रू, ऑल फाइनाइट सेट्स आर रिकर्सिव. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी रिकर्सिव सेट इज रिकर्सिव क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर रिकर्सिव ऑपरेशन. सो बी इज द राइट आंसर. ये पूछ रहा है फॉल्स के बारे में. लेट L1 बी अ रिकर्सिव लैंग्वेज एंड L2 बी अ रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज. L1 है रिकर्सिव एंड L2 है रिकर्सिवली इनुमरेबल लैंग्वेज. अब आपको बताना है कि देन L2 माइनस L1 विल बी वॉट, L2 माइनस L1 क्या होगा, कौन सी लैंग्वेज होगी. तो L2 क्या है, रिकर्सिवली इनुमरेबल, माइनस L1 क्या है, रिकर्सिव. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, L2 माइनस L1 को ऐसे लिख सकते हो, रिकर्सिवली इनुमरेबल इंटरसेक्शन रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि A माइनस B को आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट. ओके ये सेम चीज़ है. रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट होगा रिकर्सिव. ओके एंड रिकर्सिव इनुमरेबल इंटरसेक्शन रिकर्सिव होगा रिकर्सिवली इनुमरेबल.